विजेता घोषित होंगे वो मंडल लेवल पर जाकर खेलेंगे, और मंडल लेवल पे जो विजेता होंगे फिर स्टेट पर खेलेंगे। लगातार आप देख सकते हैं बच्चे और जो बच्चा आगे होगा वही विनर कैंडिडेट होगा। इस तरीके से ये बच्चे जो है फर्स्ट पर हम आप अभी आप इस बात कराएंगे फर्स्ट आने। आइए हम लगातार फिर कवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चा विवाद का विषय बना हुआ पर अभी तक देखते हैं कि उसका निस्तारण हो पाया कि नहीं हो पाया। फर्स्ट आने वाले बच्चे के ऊपर विवाद बना हुआ है, वो फर्स्ट आने में दो बच्चे लगातार बराबर से बताए जा रहे हैं, और इसी तरीके से अभी देखते हैं। टीचर आप ये बताइए कि जो फर्स्ट आए हैं दो बच्चों को बताया जा रहा है, आखिर ये सच्चाई क्या है? देखिएगा वो उसमें वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और उसमें बच्ची का पैर पहले टच हुआ है, अब कमेटी जो है वो अपना निर्णय दे रही है। मैं तो ये कहता हूँ लड़ाई मंडल ने बताया, लड़ाई मंडल सही है, लड़ाई मंडल जो वीडियो बना रहा है उनका क्या फैसला है? वो फैसला उन्हें देना है, लेकिन वो मैं वहाँ का उमरदा का ब्लॉक व्यायाम शिक्षक प्रधानाध्यापक फोन से बात करेंगे। अगर आप बात करना चाहेंगे गुरुजी हमारे पास बात कर ले, जो बच्चा है वो बच्चा भाई एट में बच्चा क्लास में, पिछली साल बेटा तुम किस क्लास में थे? सेवेंथ में थी, एट में और तो लगा जो स्टूडेंट वो किताब का नाम बता दो बेटा, अरे गेम करते तो नाम तो पढ़ाई नहीं करती हो, किताब का नाम नहीं बताए स्टूडेंट नहीं है, किताब का नाम नहीं बताया, क्या खेलने वाला बुलाने लाया मंडल ये क्लास एट की स्टूडेंट नहीं है, उसमें किताब का नाम यहाँ पर अरे अखबार सोरी के पास एक स्टेडियम है हरिभानपुर में, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हमारे साथ में बीएसए मैडम उपासना रानी वर्मा जी मौजूद है, और उनके साथ में तमाम खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद है, तमाम शिक्षक गण भी मौजूद है। आज यहाँ पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, और इससे पहले ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर हो चुका है। आपको जानकारी लिए बता दूं कि इससे पहले न्याय पंचायत स्तर के बाद में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता भी अलादातपुर में सम्पन्न हो चुकी है। आज यहाँ इस स्टेडियम में जिला स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हो रही है। मैडम से जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में कि ये प्रतियोगिता किस स्तर तक जाएगी और कौन कौन बच्चों ने यहाँ पर भाग किया है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है विभाग पर। आज ये प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, जो इसमें कौन कौन स्तर के बच्चों ने प्रभाग किया है? ब्लॉक लेवल पर हमारे लगभग 600 बच्चों ने प्रभाग किया है, और जो यहाँ से विजेता घोषित होंगे वो मंडल लेवल पर जाकर खेलेंगे, और मंडल लेवल पे जो विजेता होंगे फिर स्टेट पर खेलेंगे। अच्छा, जो मंडल लेवल के जो प्रतिभागी होंगे वो स्टेट लेवल पर खेलेंगे, यहाँ वाले मंडल पर खेलेंगे, स्थान जो यहाँ पर चुना गया आज जिला स्तरीय वो स्थान यहीं पर रहेगा, ये स्थान मंडल लेवल पर बदल जाएगा? वो कहाँ पर इसकी कोई जानकारी? उच्च अधिकारी लोग जो भी डिसाइड करेंगे फिर वहाँ पर जाएगा। तो ये प्रतियोगिता आज ही संपन्न हो जाएगी जिला स्तरीय की? अभी दो दिवसीय है, कल समापन हो जाएगा। तो इसमें जो विनर कैंडिडेट होंगे वो आगे बढ़ेंगे मंडल लेवल खेलेंगे। तो ये प्रतियोगिता आज कितने बजे समाप्त हो जाएगी? 5 बजे समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ में उपासना रानी ब्रह्मा जी जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी है कन्नौज की, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, और आप कैमरामैन हमारे सबसे पहले चारों तरफ घुमा के दिखा दिए, यहाँ पर बहुत से बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ पर प्रभाग करने के लिए आए हैं, और न्याय पंचायत स्तर के बच्चे हर न्याय पंचायत में एक एक बच्चा जो है साथ में आया हुआ है और वो यहाँ पर प्रभाग कर रहा है। यहाँ से जो विनर होंगे वो यहाँ से मंडल स्तर पर पहुँचेंगे, इसके बाद में ये खेल लगातार जारी रहेगा। और आपको बता दूं कि नूर हसन साहब के आने से खेलों का काफ़ी बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर स्टेडियम में काफ़ी खेल देखने को मिले, और लगातार इसी तरह देखने को मिलेंगे। देश दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत। नमस्कार।